हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं कई दिनों से रेसिपी बना रहा हूँ आलू की फूल गोभी की, जो सर्दियों के अंदर रेसिपी बड़े स्तर पे खाई जाती है। तो कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले तो मैंने आलू को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में छील लिया है। उसके बाद में जो गोभी है उसको भी काट के छील लिया है और पानी से धो लिया है। तो यहाँ पे लगभग आधा किला आलू और आधा किला मैंने फूल गोभी को एक बर्तन के अंदर निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैंने जो हरे प्याज हैं उनको भी काट लिया है। हरे प्याज भी खाए जाते हैं सर्दियों के अंदर। और टमाटर है लगभग 1.5 टमाटर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में काट लिया है, बर्तन के अंदर रख लिया है। अब जो आवश्यक मसाला होता है वो कौन कौन सा होता है वो मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। यहाँ पे लगभग 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है और 1.5 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया और नमक स्वाद अनुसार लिया। उसका एक पेस्ट मैंने अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है और इसमें थोड़ा पानी मिला दिया। और पानी मिला देंगे इसमें, इतना भी काफ़ी है, सीधा भी डाल सकते हो। हाँ, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है गैस चूल्हे के ऊपर और उसमें तेल है, तेल को गर्म किया जा रहा है। उसको लगभग 30 से 40 सेकेंड तक गर्म करेंगे। उसमें बाद में इसमें जीरा डाल देंगे। अब हमारा तेल गर्म हो गया है तो अब इसमें जो जीरा है वो डाला जाएगा। जीरा डाल दिया मैंने। इसको भी 20-25 सेकंड तक गर्म करेंगे। और यहाँ पे गर्म पत्ता भी डाल दिया मैंने, ये स्वाद के लिए होता है, सब्जी में अलग सी स्वाद बैठ जाता है इसमें। अभी जीरा गर्म होने में थोड़ा इंतज़ार करेंगे। तो हमारा वो जीरा गर्म हो गया है। अब इसमें जो मसाला है वो डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे, टेम्परेचर नॉर्मल रखेंगे। लगातार चम्मच को इधर उधर घुमाते रहेंगे वरना ये मसाला चिपक जाएगा। देखिए लगातार जुड़ते रहें हमारे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोज रेसिपी, नई नई रेसिपी आपको मिल सके। ये जो थोड़ा सा पानी डाला था मसाले के अंदर वो हमने डाल दिया है। इसको चम्मच से लगातार इसको घुमाते रहेंगे। मसाला पक गया है तो इसमें जो तो हरा प्याज था काटा था वो काट डाल देंगे। तो साथियों अब जो हमारी गोभी थी, आलू थे, उसको इसके अंदर सावधानी से डाल देंगे तो हमारी मेन रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है। अभी सावधानी से डालना पड़ेगा इसके अंदर, काफ़ी स्वादिष्ट रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में, लगभग 10-15 मिनट के अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे लगातार, पूरे मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे ताकि हो जाए आराम से। अब इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा। इसके अलावा जितना आपको जो तरी चाहिए, झोल चाहिए, उसके अनुसार इसमें पानी डाल सकते हैं। और इसको एक बर्तन से ढक देंगे ताकि आसानी से पक सके। लगभग 10-15 मिनट तक इसको ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म करेंगे। साथियों हमारी रेसिपी है आलू की फूल गोभी की बिल्कुल पककर तैयार होने वाली है। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा जो मैगी मसाला है वो भी डाल देता हूँ ताकि खाने में स्वाद अच्छा लगे। देखिए मैगी मसाला मैंने डाल दिया है, अलग से एक्सपेरिमेंट किया है, काफ़ी अच्छा रेसिपी बन जाएगा इससे। जैसा स्वाद मैगी में आता है वैसे सब्जी में आएगा। तो साथियों 10 से 15 मिनट तक गर्म करने के बाद में हमारा जो रेसिपी है पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई है। अभी खाने के लिए सही है। तो पूरी प्रक्रिया मैंने विस्तार से बता दी है। और रेगुलर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोज आपको ऐसी रेसिपी मिल सके, कंप्लीमेंट रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।